सबसे पहले मैं कहूंगी कि दिवाली की शुभकामनाएं, आज के शुभ दिवस पर आप आए हो एंड इट फील्स सो स्पेशल टू मी, इट्स फील्स लाइक अ गिफ्ट. और मैं हमेशा कहती हूँ कि आई लव अवार्ड्स, क्योंकि अवार्ड एक ऐसी चीज है जो कहता है कि लोगों ने आपके काम को रिकग्नाइज किया है या आपकी प्रेजेंस को रिकग्नाइज किया है. एंड जितना भी हम ये समझ लें या सोच लें कि दूसरों की ओपिनियन मैटर नहीं करती, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक बट आई डेफिनेटली डू. एंड व्हेन पीपल केयर अबाउट यू, दे रिस्पेक्ट यू, दे एक्नॉलेज यू एंड गिव यू समथिंग टू से दैट यू आर हियर एंड वी नो यू एंड वी लाइक व्हाट यू डू, इट फील्स एब्सोल्युटली स्पेशल. So thank you for that, Archana ji, for recognizing this. Thank you, Aarti. Thank you, Himanshu bhai. And I feel very special. मुझे ऐसा लग रहा है कि देवी माँ ने मेरे घर आज के दिन गिफ्ट भेजा है. Wow. Thank you. Firstly, thank you, Himanshu ji. आपने मुझे इनसे मिलाया और इनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा. She is such a wonderful lady and very down to earth, and after meeting her I feel she is amazing, an amazing woman, and we are honored to award her. Yes, thank you. Main time management ko ek bahut bada ye manti hu. I think that is the most important virtue or quality, aur uske liye prioritize karna bahut zaruri hota hai. Ye janna zaruri hota hai ki mere life mein mere liye sabse zyada important kya hai, और मेरे लिए मेरी फैमिली और मेरे बच्चे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं. और अब मुझे लगता है कि मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा समय उनके लिए निकाला, उनके बचपन में उनके साथ मैं हर स्टेप में उनके हर घड़ी को मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है. अब वो यंग लेडीज हो गई हैं, अपने लाइफ में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं. नाउ आई हैव स्टेप्ड आउट एज अ फुल प्रोफेशनल. जब मैंने स्टार्ट किया था कुछ साल पहले, मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा सा मैं निकल के टाइम ऑफ कर लूं, लेकिन अब मैं एक प्रोफेशनल हूं एंड आई एम वर्किंग अ लॉट एंड देयर इज, मैं कैसे मैनेज करती हूं, हर चीज के लिए उसका एक टाइम होता है और आई एम मूविंग विद दैट टाइम. बच्चों के साथ थी, अब ये मेरा करियर टाइम है और मैं अपने करियर में हूँ पूरी तरह से. थैंक यू.